हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप सब। घर को क्लीन रखने के लिए हम डेली घर को क्लीनिंग करते हैं, बट क्लीन घर के साथ साथ हर वक्त घर में अच्छा स्मेल रहे, उसके लिए कुछ टिप्स आपके साथ आज शेयर करूंगी। सुबह होते ही घर का डोर विंडो खोल देने से घर के अंदर बाहर का फ्रेश एयर आएगा और घर के अंदर का फूड वगैरह का जो स्मेल होता है वो कम हो जाएगा। क्रॉस वेंटिलेशन से घर में एयर सर्कुलेट होती है और घर में फ्रेशनेस रहती है। घर का कुछ एरियाज होती है जिनको ऑर्डर फ्री रखने के लिए बीच बीच में क्लीन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। सो पहले इन एरियाज को क्लीन करके ऑर्डर स्मेल हटा लेना है, तभी घर को अच्छी स्मेल का जो टिप्स है वो काम करेंगे। वॉश बेसिन में 3-4 स्पून बेकिंग सोडा ऐड करके उसके साथ देना है विनेगर 1/2 कप। उसके बाद बेसिन को हॉट वाटर से क्लीन कर लेना है। इससे वॉश बेसिन से ऑर्डर स्मेल चला जाएगा और माइनर जो क्लॉक्स होती है वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये नेफ्थलीन बॉल्स वॉश मशीन के ऑर्डर स्मेल कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। कारपेट्स और मैट्रेस इनको डेली क्लीन नहीं कर पाते हैं, बट इनको वंस इन ए वीक क्लीन करना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत सारे डस्ट रह जाते हैं। बेकिंग सोडा कारपेट्स और मैट्रेस में ऐसे स्प्रिंकल करके 1/2 आवर के लिए रखना है। हाफ एन आवर के बाद वैक्यूम क्लीनर से इनको क्लीन कर लेना है। इंडोर प्लांट्स घर के एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करके घर में एक फ्रेशनेस लाती है। ये प्लांट्स होम डेकोर के साथ साथ घर में एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करती है। हाफ लीटर पानी में ऐड कर रही हूँ 2 स्पून फैब्रिक कंडीशनर। इसको एज ए रूम फ्रेशनर यूज कर सकते हैं। घर के कर्टेन्स, सोफा, कारपेट्स वगैरह में इसको स्प्रे कर सकते हैं। इससे घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। एसेंशियल ऑयल ये घर के अलग अलग जगह को फ्रेश स्मेल देने के लिए बहुत हेल्प करती है। कॉटन में फ्यू ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल ऐड करके इनको सोफा, बेड, पिलो, कपबोर्ड वगैरह में रख सकते हैं। यूज किया हुआ शूज रखने के वजह से शू रैक में ऑडोर स्मेल आने लगती है। ऐसे नेफ्थलीन बॉल्स रखने से ये ऑडोर स्मेल नहीं आती है। डस्टबिन को रेगुलरली क्लीन करने के साथ साथ इनमें बीन बैग्स प्लेस करने से पहले कुछ नेफ्थलीन बॉल्स ऐड करना चाहिए। इससे डस्टबिन से आने वाली स्मेल रिड्यूस होती है और कॉकरोच जैसे इंसेक्ट्स को भी ये दूर रखेंगे। किचन, जहाँ कुकिंग की वजह से फूड का स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है और ये फूड की स्मेल पूरे घर में फैल जाती है, इसके लिए
एक पैन में 2 कप्स पानी बॉईल करके उसमें ऐड किया है लेमन के स्लाइसेस, दालचीनी और क्लोव्स। अभी 10 मिनट्स के लिए गैस के फ्लेम को लो रखकर ऐसे स्टीम होने देना है। लेमन, दालचीनी और क्लोव्स के नेचुरल स्मेल किचन के स्ट्रॉन्ग फूड ऑडर स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेगी। फ्रिज जिसपे अलग अलग फूड आइटम्स रखने की वजह से कभी कभी अजीब से स्मेल आने लगते हैं। फ्रिज से इस अजीब से स्मेल्स को दूर रखने के लिए एक कॉटन क्लॉथ को मैंने भिगा लिया है और उसमें लिया है फ्यू ड्रॉप्स वेनिला एसेंस और फ्रिज के अंदर के एरियाज को वाइप कर लेना है। इससे फ्रिज में बहुत ही अच्छी स्मेल आती रहेगी और ऑडर स्मेल को भी ये दूर रखेगी। एक बाउल में ऐसे बेकिंग सोडा स्टोर करके रखती हूँ। बेकिंग सोडा से भी फ्रिज से आने वाली ऑडर स्मेल कम होती है। बाउल में लिड नहीं लगाना है, तभी ये टिप काम आएगा। घर में अच्छी खुशबू के लिए फ्रेश फ्लावर्स को कैसे भूल सकते हैं, है ना? फ्रेश फ्लावर्स के माइल्ड फ्रेश स्मेल से पूरे घर में एक फ्रेशनेस आती है। पोटपूरी जो बनती है ड्राइड लीव्स और फ्लावर्स से, इनको ऐसे एक बॉल में घर के कोई भी कॉर्नर में रखने से इससे बहुत अच्छी स्मेल घर के चारों तरफ आती रहेगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर। इसको यूज करना एकदम ही सिंपल है। इसको ऑन करके इसमें ऐड करना है कैम्फर। कैम्फर के साथ क्लोव या दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी स्मेल आती रहेगी और ये मॉस्किटो को भी दूर रखने में हेल्प करती है। कैम्फर से एयर भी प्यूरिफाई होती है। पुराने जमाने से ही घर में अच्छे खुशबू के लिए अगरबत्ती यूज करके आ रहे हैं। इससे अच्छी स्मेल आने के साथ साथ घर में एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट होती है। इस सिरामिक डिफ्यूजर में थोड़ा पानी ऐड करके कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल ऐड किया है। अभी टी लाइट कैंडल ऐड कर रही हूँ। ऐसे एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर से जो हल्की हल्की खुशबू आती है, इनिशियली ये घर को रिफ्रेश करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ एसेंशियल ऑयल जैसे मिंट, लेमन, लेवेंडर, पेपरमिंट, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सिंपल सा एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर को भी घर में खुशबू के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपली ये डिफ्यूजर में थोड़ा एसेंशियल ऑयल ऐड करके ये वुडन स्टिक्स इसमें रख देना है और इससे हल्की हल्की खुशबू पूरे घर में आती रहेगी। खुशबू देने के साथ साथ ये एज ए डेकोर आइटम भी यूज होगा। इस धूपदानी में ऐड कर रही हूँ ये कोन शेप के धूप। ये धूपदानी के खुशबू से घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होने के साथ साथ ये डेकोर में भी एक रिच लुक क्रिएट करती है। लास्ट में है ये सेंटेड कैंडल्स। मार्केट में वैरायटीज ऑफ सेंटेड कैंडल्स अवेलेबल होती है। आप अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हो। सेंटेड कैंडल्स हमारे घर में अमेजिंग स्मेल क्रिएट करने में हेल्प करती है। आज के ये टिप्स फॉलो करके आप अपने घर में रिफ्रेशिंग स्मेल के साथ साथ घर में एक वेलकमिंग एनवायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। घर को ऑडर फ्री और अच्छी स्मेल के लिए कुछ टिप्स आपके साथ आज शेयर किया। आई होप आपको ये टिप्स अच्छे लगे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। आपको इन टिप्स में से कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताना। एक न्यू वीडियो के साथ साथ नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलूंगी। आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।